संडे सुबह मॉर्निंग X12 बस पकड़ी अलब्रॉक से और पहुंचा हूँ सिटी सेंटर। दिन काफ़ी अच्छा था, धूप लगी हुई थी। मेरे दिल में आया कि ब्लॉग शूट किया जा सकता है, तो हम पहुंच गए सिटी सेंटर। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये है सेंट पॉल चर्च। जब दिन हो संडे का तो भीड़ बहुत कम होती है, मोस्टली लोग मिलते हैं बेड पे, जो टूरिस्ट होते हैं वही गिने चुने नज़र आते हैं। जब इस जगह से मेरा दिल भर गया, कोई मुझे देखने को मिला ना, तो मैंने अपना प्लान किया कि विक्टोरिया स्क्वायर चला जाए और उधर का थोड़ा व्यू कैप्चर किया जा सके। अच्छा, ठंड की वजह से ना मेरी आंखों और नाक से पानी आ रहा था, मैं ऐसे वीडियो बना रहा था और कॉफ़ी के पास से गुजरा तो एक लड़की ने ऑफर किया है, यू वांट सम कॉफ़ी। सो गाइस, हम इधर आए हुए हैं बर्मिंघम सिटी सेंटर में। ये विक्टोरिया के बिल्कुल पास में प्लेस है। सो बिल्कुल मेरे पीछे सेंट पॉल चर्च है, तो मैं आपको ओवर व्यू देता हूँ उसका, ये लें, ठीक है, ज़बरदस्त। सो आपको थोड़ा थोड़ा करके विज़िट करवाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कैसा। इधर आज थोड़ा क्वाइट है, संडे है, तो मैंने संडे का दिन चूज़ किया है, तो बेस्ट है इधर एक्सप्लोर करने के लिए, संडे का दिन इज़ बेस्ट। ठंड पड़ी है आज, कल पेने हुए हिल स्टॉर्म, बर्फ दे इन्हें ने खोले। ठंड की वजह से मेरी आवाज़ भी शुफ शुफ हो गई, माशाल्लाह ज़बरदस्त जान गया अल्लाह के हुक्म दे नाल। वीडियो बनाते हुए मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने सुबह दोस्त से पूछा था कि वो व्लॉग शूट करने मेरे साथ चले, लेकिन उसने सोने को तरजीह दी, तो मैं बगैर किसी देरी के व्लॉग के महाज के ऊपर निकल पड़ा। मेरे बिल्कुल पीछे पैराडाइज रेस्टोरेंट था, जो कि नाइट में ओपन होना था और बड़ा हल्ला गुल्ला और मज़ा होने वाला था। इधर मैं जिधर भी नज़र दौड़ाता तो मुझे बंदा और बंदे की ज़ात, लड़की और लड़की की ज़ात नज़र आती, लेकिन कम तादाद में। अपने व्यूवर्स को डे आउट का मशवरा देते हुए बाहर निकला करो ताकि माइंड चेंज हो थोड़ा और इसको रिलैक्सेशन मिले। चलते चलते हम पहुंच गए थे बर्मिंघम लाइब्रेरी के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड के, आप देख सकते हैं पीछे। अन्ने वाह, अपने दोस्तों को व्लॉग की स्टोरी सुनाते हुए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया जो मैंने बोला, अगर आपको किसी को भी समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विक्टोरिया स्क्वायर, तो भाई मिस ना करें, पहले नंबर पे आ गया, पिक्चर्स निकालें और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करें, खूबसूरत पिक्चर्स निकालें। बर्मिंघम सिटी सेंटर विक्टोरिया स्क्वायर में बेसिकली लंदन विक्टोरिया वाला टच दिया हुआ है। जैसे ही मैं ये विक्टोरिया स्क्वायर पहुंचा तो मेरा बड़ा दिल था कोई मेरी वीडियो बनाए, तो मैं इधर उधर कोई बंदा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पीछे एक बंदा था लेकिन मुझे उस पर एतबार नहीं था, यह ना हो कि मेरा वो फ़ोन लेके भाग जाए। जब मुझे कोई ना मिला तो फिर मुझे स्पेनिश लड़की से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उसने मेरा एक वीडियो क्लिप शूट किया जो कि इस तरह करके आपको देखने को मिलेगा। जैसे का तैसा जो मिला शुक्रिया अदा किया उसका। मैं रोड क्रॉस कर लूँ भाई, गाड़ी आ रही है पीछे, गाड़ी आ रही है वो देखी, चलो मैं टाइम से रोड क्रॉस कर लिया, ज़बरदस्त फंटेस्टिक सा मौसम है, बट लगाऊंगा इतनी देर वेट नहीं करना। आपको दिखाते हैं ये बर्मिंघम की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, लोग इधर आते हैं, मैं इसका व्यू आपको पढ़ने से आगे ही जान छुड़ाई है मुश्किल से, तो मुझे लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाना। व्लॉग को फिनिश करने से पहले मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, ठंड की वजह से ना मेरी आंखों और नाक से पानी आ रहा था, मैं ऐसे वीडियो बना रहा था और कॉफ़ी के पास से गुजरा तो एक लड़की ने ऑफर किया है, यू वांट सम कॉफ़ी, तो भाई मैं फ्लैट नहीं हुआ भाई, आपका गोरी थी। सो मैंने एक ही बात सोची, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रोज़ा है, तो मैंने बोला आई एम फास्टिंग, तो उसने बोला अप्रिशिएटेड, सो उसने बोला सॉरी, तो मैंने कहा इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर। सो मैं गुजर गया उधर से, और भाई जरा मकसद लेके आए हो ना आप साथ में, उसके ऊपर फोकस करो, इन चीज़ों से दूर रहना है, बचना है भाई, माज करो, बचना है। और जो लड़की लिख दी गई है ना किस्मत में, वो मिलके रहेगी, वो अल्लाह के हुक्म से आपको मिलके रहेगी, उसके लिए रश नहीं करना, ठीक है, जो गया सो गया भाई, रश नहीं करना, आप स्ट्रगल करो और लाइफ में कुछ बनो, अचीव करो। सो अल्लाह के हुक्म के नाल बड़ी सोहनी, बड़ी ज़बरदस्त, थोड़ी हर चीज़ सॉर्ट हो जानी है, तो उधर लिए भाई एफर्ट करनी है,
कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ करना, मना कर रहे हैं तो भाई मना हो जाना।